आराधना पिता आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना पिता आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना आत्मा आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना आत्मा आराधना, आराधना तेरी आराधना, करो दिल से तेरी आराधना, करो दिल से तेरी आराधना, पूरे मन से गाओ तेरी सना, पूरे मन से गाओ तेरी सना, आराधना पिता आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना आत्मा आराधना, आराधना तेरी आराधना। सच को बहा भटक रहा था मैं दुनिया में, ना पाया सच को बहा, एक तू ही है ये सुराजा, जो है सच का दरिया, एक तू ही है ये सुराजा, जो है सच का दरिया, तेरी हम दो सना गाऊं, तेरे नाम में बढ़ता जाऊं, तेरी हम दो सना गाऊं, तेरे नाम में बढ़ता जाऊं, आराधना पिता आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना पिता चीजों को तूने सजाया, इस दुनिया को तूने बनाया, सब चीजों को तूने सजाया, धरती अंबर सब मिल गाए, पेड़ पौधे और नदियाँ, धरती अंबर सब मिल गाए, पेड़ पौधे और नदियाँ, तेरे नाम में बढ़ते जाए, तेरी हम दो सना गाए, तेरे नाम में बढ़ते जाए, आराधना पिता आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना पिता आराधना।
यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। ईसा ने उत्तर दिया, ईसा ने उत्तर दिया, जो मुझे प्यार करेगा, जो मुझे प्यार करेगा, वह मेरी शिक्षा पर भी चलेगा, वह मेरी शिक्षा पर भी चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा, और हम उसके पास आकर, और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे, उसमें निवास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, मैं वो प्रभु हूँ, मैं वो प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ, जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। तुम अपने प्रभु ईश्वर की, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, सेवा करोगे, और वह तुम्हें, और वह तुम्हें सुरक्षित रखेगा, सुरक्षित रखेगा, तुम्हारे अन्न जल को, तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा, आशीर्वाद देगा, और बीमारियाँ तुमसे, और बीमारियां तुमसे दूर रखेगा, दूर रखेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा, मैंने तुझे पुकारा, और तूने मुझे, और तूने मुझे स्वास्थ्य प्रदान किया, स्वास्थ्य प्रदान किया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तेरे चरणों में आया हूँ, मैं तेरे चरणों में आया हूँ। मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए। आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता, आपकी जय जयकार करता हूँ, आपकी जय जयकार करता। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी उपस्थिति के लिए, मैं आपकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु यीशु की सामर्थ्यवान और जीवित उपस्थिति में इस वक्त हम बैठे हुए हैं। आप जहां कहीं भी इस आराधना में भाग ले रहे हैं, प्रभु आपको स्पर्श करे, आपके परिवार को स्पर्श करे, प्रभु का सानिध्य आपके घर में उतरे। प्रभु का वचन कहता है, जहां पर दो या तीन मेरे नाम से एकत्र होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूं। प्रियजनों, इस वक्त आप जितने भी लोग इस ऑनलाइन प्रार्थना में मेरे साथ एक मन हैं, एक प्राण हैं, और सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रभु आपके बीच में विराजमान है। जब हम उसे पुकारते हैं, वो हमारी पुकार को सुनता है और हमें उत्तर देता है। जब हम उसकी दुहाई देते हैं, तो वो हमारी दुहाई को सुनता है। स्त्रोत संख्या 65 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, लोग तेरे पास आते हैं क्योंकि तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। ये सुंदर मौका है प्रभु ने हमें दिया।
जिससे कि हम उसकी आराधना कर सकें, उसकी महिमा गा सकें, उसकी प्रशंसा कर सकें, उसका धन्यवाद कर सकें, अपने जीवन में हर प्रकार के रोग बीमारी से हम आज़ाद हो जाएं, हमारे मन में जो दोष भावना है उससे हम आज़ाद हो जाएं, यीशु की आत्मा हम सभी लोगों को स्पर्श करे। प्रभु का वचन कहता है, जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना उतरे तब तक तुम में से कोई भी नहीं कह सकता कि ईसा ही प्रभु है। वो पवित्र आत्मा, आइए हम उससे प्रार्थना करें, हम पर अधिकार ले और हमें आशीष प्रदान करें। प्रभु से कहना कि हे प्रभु, अपनी आत्मा को भेजिए जिससे कि मेरा दिल तेरा घर बन जाए, मेरा घर तेरा सिंहासन बन जाए, मेरी आत्मा तेरा सिंहासन बन जाए। मैं प्यासा हूँ प्रभु, मैं भूखा हूँ प्रभु, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूँ, मैं अकेला हूँ प्रभु, मुझे सामर्थ्य दीजिए, मेरे परिवार में आ जाइए प्रभु, अपने प्रेम का अनुभव मुझे प्रदान कीजिए। मैं निर्बल हूँ, मैं दुर्बल हूँ, ना चाहते हुए भी तुझसे दूर चला जाता हूँ, मुझ पर दया कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। दोनों हाथों छोड़ के आत्मा, जी हाँ प्रभु, अभी जा आत्मा। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, भूखा हूँ मैं तेरे लिए, प्यासा परिवार में, हमारे जीवन में अधिकार ले। वो सत्य का आत्मा, प्रभु कहता, जब तुम पर उतर आएगा तो तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, तुम भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगो, तुम सब के सब
उसके सानिध्य से भर जाओगे। वो सत्य की आत्मा तुम्हें सत्य के विषय में समझा देगी, इसलिए वो पवित्र आत्मा आपके परिवारों में इस वक्त छा जाएगी। आप में से एक एक व्यक्ति को अपने अधिकार में ले लें और आपके जीवन में सामर्थ्य, चंगाई, शांति और प्रेम को भर दे। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, सामर्थ्य अपना दे दे मुझे। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, सामर्थ्य अपना दे दे मुझे। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं आपसे प्यार करता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं उन लोगों के लिए क्षमा मांगता हूँ जो आपको प्यार नहीं करते हैं, आपसे प्रेम नहीं करते, आपके लोगों पर अत्याचार करते हैं। उन्हें क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु यीशु, अपने भक्तों के परिवारों में अपना अधिकार लीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ। हे प्रभु यीशु, पवित्र वचन कहता है प्रभु उसे रोगशैया पर सांत्वना देता और उसका बिस्तर बदलता है। प्रभु उसे रोगशैया पर सांत्वना देता और उसका बिस्तर बदलता है। मैंने कहा प्रभु मुझ पर दया कर मुझे चंगा कर क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है स्त्रोत संख्या 107 पद संख्या 17 कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। हालेलुया। प्रभु दुखियों को दिलासा देता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार पर मेरे जीवन पर दया कीजिए। हालेलुया। प्रियजनों, आज हम में से कई लोग शारीरिक रोगों से ज्यादा आंतरिक रोगों से पीड़ित हैं, इसलिए उनके लिए निहायत ही जरूरी है
कि प्रभु उन्हें आंतरिक चंगाई प्रदान करें। बाहरी चोटें और घाव तो अच्छे हो जाते हैं, परंतु हृदय और आत्मा में लगे घाव जल्दी नहीं भरते हैं। इसलिए हम सभी लोगों को आंतरिक चंगाई की आवश्यकता है, परिवारों को आंतरिक चंगाई की आवश्यकता है, व्यक्तिगत रूप से लोगों को आंतरिक चंगाई की आवश्यकता है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग खुश हैं, परंतु वास्तव में अपने आप से पूछ के देखिए कि क्या आप सच में खुश हैं, क्या आप सच में प्रभु में आनंद मनाते हैं। यदि आप सच में खुश हैं तो आप अपने भाई, अपनी बहन, अपनी माँ, अपने पिताजी को अवश्य क्षमा कर पाएंगे। आज बहुत से लोग पीड़ित हैं, ऐसा नहीं कि उनके पास खाने को नहीं, पीने को नहीं या रहने को घर नहीं, परंतु अगर वो पीड़ित हैं तो इसलिए क्योंकि उनके कई दुश्मन हैं, दुश्मनी से पीड़ित हैं। कुछ लोग क्रोध से पीड़ित हैं, कुछ लोग क्षमा नहीं कर पाते हैं इसलिए पीड़ित हैं, तो कुछ लोग अकेलेपन के शिकार हैं, तो कुछ लोग बहुत अधिक जिद्दी हैं, कई लोग बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, जैसे नशा, ड्रग्स, वासना, गलत रिश्ते, हर प्रकार की बुराई उनके मन में निवास करती हैं। अंदरूनी रोगों से आज लोगों को छुटकारा पाने की आवश्यकता है। प्रभु का वचन कहता है, यदि जड़ पवित्र है तो पेड़ पवित्र होगा, और यदि पेड़ पवित्र है तो फल भी पवित्र होगा। आज आपके परिवारों के लिए प्रभु का ये संदेश है कि अपने परिवार में प्रभु को प्रथम स्थान दें, क्योंकि प्रभु ये कहता है, जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करता हूँ, और जो मुझे तुच्छ जानते हैं मैं भी उन्हें तुच्छ जानता हूँ। आज प्यारे भाइयों और बहनों, परिवारों में प्रेम का अभाव है, पति पत्नियों में प्रेम का अभाव है, बच्चों और माता पिता में प्रेम का अभाव है, इसलिए घरों में लड़ाई झगड़े हैं, तनाव हैं, मन मुटाव हैं, और प्रभु की आंखें सब कुछ देखती हैं। वचन हमें बताता है, बाइबल बताती है कि प्रभु की आंखें सब कुछ देखती हैं। संत योहन के पहले पत्र में हम पढ़ते हैं, जहां पर प्रेम नहीं है वहां पर ईश्वर का निवास नहीं है। तो क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपको स्पर्श करे? तो क्या आप चाहते हैं कि वो आपको चंगा करे? प्रियजनों, तो प्रभु से कहना, जी हां प्रभु, मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप मुझे चंगा करें, मेरे परिवार को प्रेम से भर दें, जो मनमुटाव, क्लेश, लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की बुरी बातें मेरे जीवन में है, ए प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर, मेरे बुजुर्गों पर दया कर, प्रभु तेरी आत्मा हम पर अधिकार ले। अनेक चोटें लोगों के शरीर पर शायद ना हों, लेकिन दिल पर अवश्य है। हर व्यक्ति किसी ना किसी चोट को अपने शरीर में लेकर जीने का प्रयास कर रहा है, और जब मौका आता है तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो बोल उठता है। तो मनुष्य की तरह विकसित होने के लिए ना केवल हमें रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता है, हमें तो प्रभु के प्रेम, उसके सानिध्य की आवश्यकता है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, प्रेम उसके जीवन का केंद्र बिंदु है, प्रेम परिवार के का आधार स्तंभ है, और यदि परिवार में प्रेम नहीं है तो वहां पर ईश्वर नहीं है, क्योंकि जो प्रेम नहीं करता, संत पौलुस लिखता है योहन के पहले पत्र में कि वो ईश्वर को नहीं जानता।
इसलिए कई लोगों के जीवन में ये आंतरिक चोटें लगी हुई हैं। देयरफॉर वी नीड इनर हीलिंग। अब आप में से कई लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये आंतरिक चंगाई है क्या चीज, व्हाट इज दिस इनर हीलिंग। प्यारे भाइयों और बहनों, कई लोगों के जीवन में बचपन से क्रोध भरा हुआ है। हो सकता है कि उसके प्रीनेटल एक्सपीरियंसेस ही ऐसे हों। हो सकता है घर की प्रथम पाठशाला में बचपन में ही युवावस्था से ही उसे वह प्रेम ना मिला हो। हो सकता है उसके माता पिता कठोर रहे हों। हो सकता है उन्हें वह समय ना दे पाए हों। हो सकता है बच्चों को घर में प्यार ना मिला हो। हो सकता है आपको बड़ों से प्यार ना मिला हो, इसलिए आप प्यार को इधर उधर खोजने की कोशिश करते हैं और इसी खोज में आप बह जाते हैं और परिवार टूट जाता है, रिश्ता टूट जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हो सकता है माता पिता ने बच्चों को प्यार ना दिया हो। हो सकता है बच्चों में नफरत पैदा हो गई हो। कभी कभी एक भाई अपनी बहन को क्षमा नहीं कर पाता है, भाई भाई को क्षमा नहीं कर पाता है। ये दिल पर चोटें हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हो सकता है परिवार में प्रेम ना मिला हो, दुख मिला हो, कष्ट मिला हो, इन लॉस के द्वारा, माता पिता के द्वारा बचपन में बच्चे को यह प्रेम ना मिला हो, तो आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, उदासी छाने लगती है, अकेलापन काटने लगता है, हीन भावना आने लगती है। बच्चे की हंसी मान लो उड़ाई गई है तो उस बच्चे के अंदर भी विश्वास की कमी आ जाती है, हीन भावना आ जाती है। प्यारे भाइयों और बहनों, बचपन से ही हो सकता है बच्चे को डर लगता हो। कभी कभी लोग बड़े होने के बावजूद डरते हैं, उन्हें भय लगता है, अंधेरे कमरे में जाना नहीं चाहते हैं, ऊंचाई पर खड़े होना नहीं चाहते, पानी को देखकर डर लगता है और ऐसी तमाम बातें हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, किसी को पुरुषों से डर लगता है तो किसी को स्त्री से डर लगता है। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने शोक को व्यक्त करना चाहिए, अपने दुखों को जाहिर करना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, पिता से परामर्श करना चाहिए, यीशु के वचन पर विश्वास करने की आवश्यकता है। पेत्रुस जो प्रभु का चेला था, उसने यीशु को अस्वीकार कर दिया था। उसने कहा, मैं यीशु को जानता ही नहीं हूं, मैं तो यह भी नहीं जानता हूं कि वो आदमी है कौन। प्यारे भाइयों और बहनों, जब ईसा ने उसकी ओर मुड़कर देखा तो पेत्रुस फूट फूट कर रोने लगा। पेत्रुस फूट फूट कर रोने लगा। एक पापिन स्त्री आई, जैसा कि वचन में हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 36 में, जब वो एक शास्त्री के घर में बैठे हुए थे, भोजन करने के लिए वहां पर बैठे हुए थे, तो प्यारे भाइयों और बहनों, यह पापिनी स्त्री आती है और यीशु के पैरों को अपने आंसुओं से भिगोने लगती है, रोती जाती है। अपने अंदर की जो हीन भावना थी, दोष भावना थी, उन आंसुओं के जरिए वो व्यक्त करती जाती है। आज हम में से भी बहुत से लोगों को इस हीन भावना को व्यक्त करने की आवश्यकता है, त्यागने की आवश्यकता है, प्रभु को समर्पित करने की आवश्यकता है, प्रभु के सानिध्य में बैठकर आंसू बहाने की आवश्यकता है, प्रभु के प्रेम को अनुभव करने की आवश्यकता है। बीते जीवन की घटनाओं को प्यारे भाइयों और बहनों, सिरे से देखना, हमारे पास सवालों के जवाब नहीं है। अगर आप घटनाओं को याद करते रहेंगे, बीते दिनों की बातों को याद करते रहेंगे, तो कुछ होने वाला नहीं है, उन्हें पीछे छोड़ने की आवश्यकता है, उन्हें पीछे छोड़ने की आवश्यकता है, और प्रभु हमें स्वास्थ्य और चंगाई प्रदान करेगा। क्योंकि प्रभु यीशु कहता है यूहन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 5, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। असमर्थता की इस सच्चाई को समझने की आवश्यकता है प्रियजनों,
आप जितने भी लोग इस वक्त इस आराधना में भाग ले रहे हैं, कि आप सब काम को नहीं कर सकते हैं, केवल परमेश्वर सब कार्यों को कर सकता है। हम लोग असमर्थ हैं और इस असमर्थता की सच्चाई को समझने की आवश्यकता है। सालों से लोगों ने यही सोचा और वे धोखा खाते रहे, वो धोखा खाते रहे। उन्होंने सोचा कि वो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ उनके अधिकार में है, लेकिन ऐसा नहीं था। संत पौलुस फिलिपियों को लिखता है अध्याय 4 पद संख्या 13 में कि जो मुझे बल प्रदान करते हैं मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकते हैं। और वो प्रभु यीशु हमें बल प्रदान करते हैं जिसकी सहायता से मैं और आप सब कुछ कर सकते हैं। यीशु हमें ऐसा कुछ भी नहीं देते जो हम सहन ना कर पाए। वो सफलता के 3 नियम देते हैं प्यारे भाई और बहनों। खुश रहना, प्रभु की ओर दृष्टि लगाना, आनंदित हो जाना, पवित्रताई का जीवन व्यतीत करना, धार्मिकता की खोज में लगे रहना, और वो कहता है बाकी की चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके प्रेम के लिए, आपके प्रेम के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, अपने ऊपर ले लो, और मुझसे सीखो, और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से विनम्र हूँ, मैं स्वभाव से विनम्र। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आइए प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आंतरिक चंगाई प्रदान करें। यीशु का लहू हमें आंतरिक चंगाई प्रदान करता है, हमें शुद्ध करता है, हमें चंगा करता है, वह मुक्ति दाता है, उद्धार करता है, वह हमारा रक्षक है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, आंतरिक चंगाई पाना चाहता है, किसी के जीवन में दोष भावना है, गिल्ट फीलिंग है, तो आज प्रभु को समर्पित कर देना। टुनाइट ही इज गोइंग टू डू मिरेकल इन योर लाइफ। वो आज की रात्रि, आज के दिन में आपके जीवन में चमत्कार करने जा रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम प्रभु से कहें, हे प्रभु मुझे डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा से आजाद कर, मुझे प्रभु यीशु निस्संतानता की दुष्ट आत्मा से आजाद कर, क्रोध की आत्मा से मुझे आजाद कर। मैं तेरे पास आ रहा हूँ, छू ले मुझे, स्पर्श कर ले मुझे, मैं तेरे चरणों में आया हूँ। अपनी मामूरी से भर
मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से। मोती परस्तिश के चुन के तेरी नजर में करो, मोती परस्तिश के चुन के तेरी नजर में करो, बाहों में ले ले खुदावन यही तमन्ना करो, मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से, सींच मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से, अपनी मामूरी से, अपनी मामूरी से, विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ हमारे बीच में हाजिर हैं, आप हमारे बीच में हाजिर हैं, हमें सामर्थ दीजिए, चंगाई दीजिए। हालेलुया। जितने भी लोग गर्भ की बीमारी से पीड़ित हैं, यूट्रस के रोग से पीड़ित हैं, यीशु आपको आजाद करे, बोले आमेन आमेन। स्पॉन्टलाइटिस की बीमारी से प्रभु आपको आजाद करे आमेन। माइग्रेन से आपको छुटकारा प्रदान करे आमेन। कमर के दर्द से आपको छुटकारा प्रदान करे आमेन। क्रोध की दुष्ट आत्मा से आपको छुटकारा प्रदान करे आमेन। तंत्र मंत्र जादू टोने की दुष्ट आत्मा से आपको आजाद करे आमेन। ब्रेन ट्यूमर की दुष्ट आत्मा से आजाद करे आमेन। हर प्रकार के स्किन के रोग, एलर्जी, रीढ़ की हड्डी की बीमारी, लीवर के रोग, किडनी के रोग, हृदय के रोग, शरीर के असाध्य रोग और लाइलाज बीमारियों से यीशु आपको आजाद करता है, बोले आमेन आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार को, मेरे परिवार को हर प्रकार की, हर प्रकार की बुराई से आजाद कीजिए, बुराई से आजाद कीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा, जय जयकार करता हूँ, जय जयकार करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे कर्ज से, मुझे कर्ज से आजाद कीजिए, आजाद कीजिए। कोर्ट कचहरियों के केस से, कोर्ट कचहरियों के केसेस से मुझे आजाद कीजिए, मुझे आजाद कीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथों को सीने पर लगाएं, हम फिर से प्रभु से कहेंगे स्पर्श कर। जितने भी लोग आंसू बहा रहे हैं, जो कष्ट में हैं, पीड़ित हैं, कोई है जो इस वक्त बेड रिडन है, रो रो कर प्रार्थना कर रहा है, प्रभु आपको आजाद कर रहे हैं। कोई है जो कर्ज से डूबा हुआ है, द लॉर्ड इज डिलीवरिंग यू, द लॉर्ड इज डिलीवरिंग यू फ्रॉम ऑल द डेट्स। कोई है जो अपने जीवन से परेशान है, यीशु आपको हिम्मत और सांत्वना प्रदान कर रहे हैं। कोई नवयुवक जो अपनी कामों में सफलता नहीं प्राप्त कर पाता है, प्रभु आपको सफलता प्रदान करते हैं। एक परिवार जिसमें शांति नहीं है, प्रभु आपको शांति प्रदान करता है। एक दूसरे को क्षमा करना, और प्रभु आपको अपने सानिध्य से ब्लेस करेगा, मसा करेगा। एक दंपति जिनके जीवन में शांति नहीं है, मनमुटाव है, लगातार लड़ते झगड़ते हैं, प्रभु आपसे निवेदन करता है कि एक दूसरे को क्षमा कर दो, और प्रभु से कहना कि मुझे स्पर्श कर दो, प्रभु मुझे स्पर्श कर दो। छू मुझे, छू यीशु,
मुझे छू छू मुझे छू यीशु मुझे छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मेरी जान को जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाते हुए हजूरी से छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से अपनी हजूरी से अपनी हजूरी से सभी लोग घुटना टेकें अपने हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु आपको आशीष दे और उसके बाद हम परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, संस्कार में उपस्थित मेरे प्यारे प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते, तेरी महिमा गाते, तेरी जय जयकार करते हैं। तू पाक है, तेरा नाम पाक है, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। तेरे इन बच्चों पर दया कर जो इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। हे प्रभु यीशु, तेरे इस प्रजा पर, इनके परिवारों पर दया दृष्टि डाल दे। जैसा इन्होंने विश्वास किया वैसा इनके जीवन में पूरा हो जाए। तेरी आत्मा इन पर अधिकार ले और तेरी दया इन पर सदा छाई रहे। हे प्रभु यीशु, तेरे वचन के द्वारा आज ने चंगाई प्रदान कर। इनके हृदय में, इनके जीवन में जो चोटे हैं प्रभु यीशु, अपने पवित्र लहू से उन्हें साफ कर दे। इनके जीवन में व्यक्तिगत रूप से तेरी शांति विराजे। इनके परिवारों को अपनी रूह का दुगना मसा प्रदान कर। बच्चों को उन्नति प्रदान कर, सफलता दे, जिससे कि ये सदा तेरी हजूरी में बने रहे। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। सभी लोग उठना टेके पवित्र संस्कार की आशीष हम ग्रहण करेंगे। हम गीत गाएंगे इस महान संस्कार को। इस महान संस्कार को दंड बार हो, इस महान संस्कार को बीती विधि
दर्शाता विश्वास उसे इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को से प्रस्तृत आत्मा को सम्मान स्तुति सदा हो इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो इस महान संस्कार को से प्यार करता मेरा दिल उससे भर जाता मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता मेरा दिल उससे भर जाता मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता मेरा दिल उससे भर जाता मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता मेरा दिल उससे भर जाता चाहे माँ बाप मुझे भूल जाए चाहे माँ बाप मुझे भूल जाए मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता मेरा दिल उससे भर जाता मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता मेरा दिल उससे भर जाता।